पहली बार सलमान खान ने अपने दिल की ख्वाहिश जमाने के सामने एक्सप्रेस की है। सलमान ने बताया है कि वो शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। आई थिंक दैट्स माई फॉल्ट, आई थिंक आई एम स्केर्ड, आई हैव सम रियल फियर्स। सलमान ने ये बात कबूल की एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में सलमान ने खुलकर ये बात तो नहीं बताई कि वो किस बात से डरते हैं, लेकिन हाँ इशारा जरूर कर दिया कि उनको डर किस बात का है। आई मे नॉट बी द राइट पर्सन फॉर दिस वुमन एनी मोर और आई एम प्रिवेंटिंग हर ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट। यहाँ सलमान खान बोल रहे हैं कि वो शादी से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिससे वो शादी करना चाहते हैं, अगर उससे शादी कर लेंगे तो कहीं उनकी आर्टिस्टिक ग्रोथ ना रुक जाए। कहीं यहाँ पर सलमान का इशारा कटरीना के करियर से तो नहीं था? वेल, ये तो कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ सलमान ने इस इंटरव्यू में ये जरूर कन्फेस किया है कि वो पिछले 20 साल से शादी करना चाहते हैं। आई नो आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर द पास्ट 20 इयर्स एंड द ट्रुथ इज आई वांटेड टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 17। सलमान शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। वेल, हम तो यही कहना चाहेंगे सलमान कि आपके लाखों फैंस की तरह हमें भी आपकी शादी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शाहरुख खान ने किए अजमेर शरीफ में ख्वाजा जी के दर्शन और हम आपको दिखाते हैं इस स्पिरिचुअल मोमेंट की कुछ खास पिक्चर्स। अपनी माँ की 20th डेथ एनिवर्सरी पर उनकी आत्मा की शांति के लिए बादशाह यानी कि शाहरुख खान पहुँच गए अजमेर शरीफ के दरबार में। जी हाँ, और वहाँ उन्होंने किया प्रेयर। यहाँ शायद आपको शाहरुख को पहचानने में दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि शाहरुख ने सर पर बांध रखी थी पगड़ी और पहना था व्हाइट शर्ट। बिल्कुल ही सिंपल अंदाज में शाहरुख ने यहाँ प्रे किया। और आजकल तो शाहरुख अपने मैच को लेकर भी काफी बिजी हैं, तो लगता है उन्होंने सोचा होगा कि इसी बहाने टीम के जीत के लिए कुछ प्रे कर ली जाए। और अब हम आपको दिखाते हैं फिल्म रास्कल्स का फर्स्ट लुक। आइला, ये संजय दत्त और अजय देवगन को क्या हो गया? दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे लग रहे हैं। देखिए ना, एक ने रेड कलर की कैप पहनी है और दूसरे ने ब्राउन कलर की कैप पहनी है। और संजू बाबा का चश्मा तो देखिए जरा, जहाँ संजू का चश्मा क्यूट लग रहा है वहीं अजय देवगन का एक्सप्रेशन भी काफी क्यूट है। अनडाउटेडली दोनों लग रहे हैं इस पोस्टर में क्यूट बच्चे। वेल, ये पोस्टर डेविड धवन प्रोड्यूस्ड फिल्म रास्कल्स का है जिसे प्योरली फनी फील दी गई है। कन्वेंशनल पोस्टर से हटकर इसे बनाया गया है, सो कहना गलत ना होगा, द फर्स्ट पोस्टर विल श्योरली ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। एक बार फिर टैंट्रम्स की वजह से प्रीति जिंटा का नाम लाइमलाइट में आ गया है क्योंकि प्रीति ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अपना आईडी कार्ड दिखाने से साफ मना कर दिया। प्रीति जिंटा की अजब गजब हरकतें तो जूम ने आपको कई बार दिखाई, लेकिन अब खबर आई है इससे भी आगे की। जी हाँ, एक लीडिंग न्यूज़पेपर की माने तो प्रीति जिंटा की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जमकर हुई तूतू मैं। दरअसल हुआ यूं कि जब प्रीति चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरी तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें आईडी कार्ड दिखाने को कहा, लेकिन प्रीति ने आई कार्ड दिखाने से साफ मना कर दिया। सिक्योरिटी रिक्वेस्ट करती रही लेकिन प्रीति नहीं मानी। प्रीति के लिए ये सब फॉर्मेलिटी सिर्फ टाइम वेस्ट थी, लेकिन लेडी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ऐसे जाने नहीं दिया। काफी वक्त तक बहस चलने के बाद फाइनली प्रीति को अपना आई कार्ड पर्स से बाहर निकालना पड़ा, तब भी उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी गई। प्रीति, डोंट यू थिंक इट्स टू मच? यू हैव टू गेट ऑफ माय हेड प्लीज, यू कैन हियर व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम देयर प्लीज। थैंक यू। याना गुप्ता बन गई है बॉलीवुड की लैला, लेकिन उन्हें अपने लैला आइटम सॉन्ग से भी ज्यादा पसंद है मुन्नी बदनाम। नाउ दैट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन। डांस में नंबर वन मुनी, एक्चुअली मुनी इज माय फेवरेट रिसेंटली। कोरियोग्राफी में नंबर वन, द कोरियोग्राफी वाइज अगेन आई वुड प्रेफर मुनी। जी हाँ, बॉलीवुड की लैला को अपने सॉन्ग से भी ज्यादा पसंद है मुन्नी बदनाम। दरअसल लेटेस्ट लैला, हमारा मतलब याना गुप्ता, कल पहुंची एक इवेंट पर जहां उन्होंने लैला बनकर जमकर लगाए ठुमके भी। लेकिन जब हमने इस आइटम गर्ल से पूछा कि इन्हें कौन सा आइटम नंबर सबसे ज्यादा पसंद है, तो याना ने झट से बोल दिया मुनी, एक्चुअली मुनी इज माय फेवरेट रिसेंटली। और इसके बाद याना ने इसके रीजन भी गिनाए, आई डोंट नो, मुनी जस्ट
I don't know, music wise, I prefer it. And what about the choreography? The choreography wise, again, I would prefer Muni. Well, we hope Bollywood ki rasiya, Sheila aur Dam Maro Dam mein apna dam kham dikhane wali Deepika ye na sun rahi ho. सलमान खान की मार खाकर भी बन सकती है आपकी किस्मत, ये हम नहीं आर्य बब्बर बोल रहे हैं। सलमान खान से जो मार खाता है उसकी किस्मत बन जाती है। जी हाँ, फिल्म में सलमान से जो भी हीरो मार खाता है वो हीरो हो जाता है हिट। ऐसा हम नहीं, खुद आर्य बब्बर कह रहे हैं। मुझे लगता है जो एक्टर सलमान खान से पिट जाएगा वो बहुत अच्छा एक्टर बन जाता है। लो क्या बात है, आर्य बब्बर किस तरह से ख्याली पुलाव पका रहे हैं हीरो बनने के, वो भी अपने बल पर नहीं बल्कि सलमान खान का सहारा लेकर। मुझे लगता है जो एक्टर सलमान खान से पिट जाएगा वो बहुत अच्छा एक्टर बन जाता है। चलो जो भी, शायद आर्य के हीरो बनने का सपना पूरा हो जाए। फिल्म रेडी में आर्य बब्बर भी हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में आर्य बब्बर पिट रहे हैं सलमान खान से और अपने रोल को लेकर आर्य काफी खुश हैं कि वो क्लाइमैक्स में मार खा रहे हैं और उन्हें फिर भी अपना रोल बेहद पसंद है। रेडी में मैं एंड में क्लाइमैक्स में सलमान खान से पिट रहा हूं, तो मेरा रोल बहुत अच्छा है। आर्य काफी कुछ बोल गए अपने एक्टिंग स्किल्स का सही यूज करके, बना लिया अपने आप को हीरो। लेकिन अब देखना ये है कि आर्य फिल्म रेडी में सलमान खान से मार खाकर हीरो बनते हैं या नहीं। अभिषेक बच्चन का नाम शामिल हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, लेकिन किस बात के लिए, चलिए देखते हैं। अपनी फिल्म डेली सिक्स के लिए अभिषेक बच्चन ने अपनाया था एक नायाब तरीका। जी हाँ, 12 घंटों में अभिषेक ने अपनी फिल्म को कई शहरों में प्रमोट किया था और आज अभिषेक को इसी का फल मिल रहा है। अभिषेक प्रीति जिंटा के शो पर आए थे अवार्ड लेने, मगर लगे हाथों तो उन्होंने अपनी फिल्म दम मारो दम को प्रमोट भी कर दिया। ये तो रही फिल्म के प्रमोशन की बात, मगर इसके अलावा भी अभिषेक ने की काफी मस्ती। वेल अभिषेक, आपने तो एक तीर से दो निशाने मार लिए। वी होप ऑडियंस को आपका ये अनोखा तरीका पसंद आया हो। और अब आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि मल्लिका शेरावत एज ऑलवेज करना चाहती थी संजय दत्त को किस, लेकिन संजू बाबा ने कर दिया साफ इनकार। कब, कहां और कैसे, वी हैव ऑल द डिटेल्स। जरा देखिए तो सही, मुंबई के एक टैब्लॉइड ने क्या प्रिंट किया है, संजूज लिप्स आर लॉक्ड। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म डबल धमाल में मल्लिका शेरावत को आया एक आइडिया, और आइडिया था किसी न किसी तरह फिल्म में किस सीन को लाया जाए। इसीलिए मल्लिका ने फिल्म के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो उनका और संजय दत्त का लिप लॉक सीन किसी न किसी तरह स्क्रिप्ट में क्रिएट करें और शूट करें। मल्लिका तो संजय दत्त को किस करने के लिए बेताब थी, लेकिन जैसे ही संजू बाबा को किस के किस्से का पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द टैब्लॉइड, संजय दत्त ने किस के किस्से से अपने आप को दूर ही रखा। बेचारी मल्लिका का किस करने का सपना सपना ही रह गया। कम ऑन मल्लिका, अगर आपको संजू बाबा ने किस नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको किस करने वालों की कमी थोड़ी ना है। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम। कल फ्रीडा पिंटो कर रही थी मुंबई में अपनी एक हॉलीवुड फ्लिक की शूटिंग, और हम आपके लिए लेकर आए हैं शूटिंग लोकेशंस की कुछ खास पिक्चर्स। फ्रीडा पिंटो एक ऐसी हीरोइन जिन्होंने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से बॉलीवुड में अपना जादू बिखेरा। कल फ्रीडा पिंटो की चल रही थी मुंबई में अपनी एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग, और हम आपके लिए लेकर आए हैं शूटिंग लोकेशन की कुछ खास पिक्चर्स। हियर वी गो। इन पिक्चर्स में फ्रीडा पिंटो ब्लू टॉप और ब्लैक जीन्स में एक सीन दे रही हैं, और दूसरी पिक्चर में उनका मेकअप हो रहा है। एंड इन द थर्ड पिक्चर फ्रीडा कंट्रोल रूम में देख रही हैं अपने सीन्स को। वेल, फ्रीडा पिंटो की इस फिल्म की और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। अब फरदीन खान को क्या हो गया यार, वंस अपॉन अ टाइम हैंडसम एंड चार्मिंग फरदीन नाउ लुक्स लाइक अ फैट मैरिड मैन।
अपनी एक्टिंग के लिए ना सही मगर अपने गुड लुक्स और बॉयश चार्म के लिए जरूर फेमस थे जानशी के हीरो फरदीन खान। मगर इतने सालों बाद जब हमने स्पॉट किया फरदीन को हम शॉक्ड ही रह गए। कहाँ गया वो चिसल फेस, एथलेटिक बॉडी और गुड लुकिंग फेस। फरदीन इतने मोटे हो गए हैं कि आपको शायद उनको देख के सोचना पड़े कि क्या वो वही फरदीन खान है। वेस्ट लाइन हैज इंक्रीज्ड, साथ ही आ गया है डबल चिन। देखे तो जरा तब के और अब के फरदीन में कितना फर्क है। शॉक्ड लग रहे हैं ना, बिल्कुल एक मैरिड अंकल की तरह। फरदीन कम ऑन यार, कुछ तो ख्याल रखो यार। Time now for all the glitz and glamour from FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week. Hot, sexy, glamorous models का नजारा एक बार फिर नजर आया। FDCI presents World's Lifestyle India Fashion Week Autumn Winter 2011 में, जहां well-known designers ने showcase किए उनके summer collection. जरा एक नजारा देखे तो सही। Well, in this fashion show, 142 selected designers showcased their collection for the autumn-winter season 2011. Aur Zoom ne ek-ek ramp walk ko cover kiya hai apne camera mein. Ji haan, fashion aur glamour world ka sabse khas mana jane wala FDCI presents World's Lifestyle India Fashion Week autumn-winter 2011 ka full coverage aapko dikhega every day at 7:30 PM. So don't miss it.